आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन के ऐप ड्रॉअर में वॉलपेपर कैसे लगाएं। तो यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में कोई अलग से वॉलपेपर आप नहीं लगा सकते हैं, पर जो आपकी स्क्रीन पर वॉलपेपर लगा है वो सेम वॉलपेपर आप ऐप ड्रॉअर में लगा सकते हैं। यानी कि जो स्क्रीन पर आपका वॉलपेपर लगा है वो सेम आपका ऐप ड्रॉअर में वॉलपेपर काम करेगा। तो यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में वॉलपेपर लगाने के लिए आपको ऐप ड्रॉअर ओपन करना है। ऐप ड्रॉअर में आने के बाद ऊपर राइट साइड में ये तीन लाइन आ रही हैं, इन तीन लाइन पे क्लिक करिए। तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा, और अगर आपको ये तीन लाइन शो नहीं हो रही हैं तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए, और सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आना है। नीचे आकर आएगा होम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा यहाँ पे होम स्क्रीन, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा विद ऐप ड्रॉअर, तो अब आपको नीचे आना है। तो ये देख सकते हैं सेम सेटिंग्स आपके सामने आ रही है। तो यहाँ पे आने के बाद आएगा नीचे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करिए। अब उसके बाद आपका लाइट डार्क या फिर ऑटो में से कोई सेलेक्ट होगा यहाँ पे। तो अब नीचे वॉलपेपर लगाने के लिए ये आएगा ऐप ड्रॉअर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, तो आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल 100% करनी है। तो ये जो लाइन आ रही है इसे आगे करिए, आगे करके बिल्कुल 100% पे लाकर नीचे अप्लाई पे क्लिक करिए। अब उसके बाद ये देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर में वॉलपेपर लग गया है। तो जो वॉलपेपर आपका स्क्रीन पर आप लगाएंगे वो सेम वॉलपेपर आपका एज अ ऐप ड्रॉअर वॉलपेपर काम करेगा। तो इस तरीके से ऐप ड्रॉअर में वॉलपेपर लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।